सरकार किसान नाल गलबात दे लई तैयार है। यह बयान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी बैठक दे विच दित्ता। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों ते खेतीबाड़ी मंत्री विचाले सिर्फ एक कॉल की दूरी है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 तरीक वाला प्रस्ताव असी किसानों अगे रखिया सी, किसान उस ते चर्चा करके खेतीबाड़ी मंत्री नूं जवाब दे सकते ने, फोन कर सकते ने। इस तरह की जिहड़ी गल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के लिए तैयार है, मैं एक फोन कॉल पे अवेलेबल हूं। देश के अन्नदाताओं को कोई गिफ्ट नहीं होगा, तोहफा नहीं होगा कि अगर आप इन कानूनों को वापस लेने के लिए कोई बिल लेके आए या ऑर्डिनेंस लेके आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जितना इंटरफेयर करना था वो कर चुके हैं। और क्योंकि पार्लियामेंट में बिल बने थे तो पार्लियामेंट वापस कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर उनको पहले इतनी बातचीत बिल लाने के पहले की होती तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते। लेकिन अब अगर जो है उनके मन में ये है कि इससे हमारा नुकसान हो रहा है, तो आप कृपया इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल लाकर, उससे बड़ा कोई तोहफा नहीं होगा। क्योंकि वो ट्रैक्टर जो जिनका मुंह अब दिल्ली की तरफ है, उनका मुंह अपने अपने खेतों की तरफ हो सकता है, वापस जा सकते हैं वो। आपके एक छोटे से इतनी सहानुभूति अगर आप दिखाएं, अपने भारत देश का नाम भी इस बात से रोशन होगा कि हाँ, वहां वाकई लोकतंत्र है। अगर लोगों को कोई कानून पसंद नहीं है तो सरकार उसका संज्ञान लेती है। जहां तक किसानों का विषय आपने स्पर्श किया है, मैं तो 22 तारीख की किसानों के साथ नरेंद्र सिंह जी तोमर और समिति की जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने कहा है उसको मैं दोहराना चाहता हूं और आज भी आपके माध्यम से वही मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूं। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आपके जितने भी परिचित आंदोलनकारी हैं, आप उनको जरूर बताइए कि तोमर जी ने स्पष्ट शब्द में कहा हुआ है कि भाई ये हमारा प्रस्ताव है, आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। और मुझे विश्वास है कि आप सब भी चाहते हैं कि बातचीत से इसका समाधान निकलना चाहिए और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि इसका समाधान बातचीत से होना चाहिए।